बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसेस फहाद के चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के? आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी मैं खट्टी मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं केरी का मुरब्बा। केरी का सीज़न है तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी कैरी आई हुई है हमारी आजकल, तो हम कैरी का मुरब्बा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो केरी ली है। केरी आप लें बिल्कुल पकी हुई होनी चाहिए, नरम सॉफ्ट इस तरीके से, हल्की सी पीली पीली केरी होनी चाहिए। खट्टी केरी नहीं लेनी आपने, ज़्यादा थोड़ी सी कच्ची पकी केरी लेनी है। तो 1 किलो केरी ले ली है मैंने और 1 किलो ही मैंने चीनी ले ली है। चीनी और केरी हमने लेबल लेनी है बराबर। और यहाँ 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची के ले लिए हैं। 1 चुटकी भर के मैंने जर्दे का रंग लिया है। आधी चम्मच नमक ले लिया है। 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर ले लिए हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम। आधी चम्मच भर के चाट मसाला ले लिया है। आधी चम्मच भर के मैंने काला नमक ले लिया है। कुटी लाल मिर्च ले ली है आधी चम्मच भर के। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शीरा तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने 2 ग्लास भर के पानी डाला है इसमें, और ये 1 किलो जो मैंने चीनी ली थी अब ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसका शीरा तैयार कर लूंगी। बस इसको इतना पकाएंगे, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि चीनी इसमें अच्छे से हल हो जाए। एक तार का शीरा नहीं बनाना है बिल्कुल भी, बस चीनी को एब्जॉर्ब करना है पानी के अंदर। जब तक ये चलें, जब तक हमारा शीरा तैयार हो रहा है, बस इसको ज़्यादा पकाना, गाढ़ा नहीं करना है हमने, चीनी को हल करना है, कोई एक तार का शीरा नहीं बनाना। और जब तक चीनी मेल्ट हो रही है, शीरा तैयार हो रहा है, तब तक हम अपना कैरी का आमेजा तैयार कर लेते हैं। पतीली को मैंने प्री हीट कर लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। इसके बाद ये सब्ज़ इलायची जो ली थी छोटी इलायची, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म होने देंगे, फिर इसमें कैरी डाल के भूनेंगे। चलें अब इसमें हम अपनी कैरी डाल देते हैं सारी। बस 5 मिनट के लिए इसको भूनूंगी मैं इलायची के साथ। इसमें थोड़ा शीरे में ये कैरी मेरी अच्छे से भून चुकी है, इसकी खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त सी। अब मैंने जो जर्दे का रंग लिया था वो इसमें डालूंगी, थोड़ा इसमें डालूंगी और थोड़ा सा और लेकर मैं अपने शीरे में भी डालूंगी। ये देखिए शीरा हमारा अच्छे से पक रहा है। बस 2 मिनट और पकाऊंगी फिर चूल्हा बंद कर दूंगी। इसमें थोड़ा कलर डाल दूंगी मैं और। देखिए मैंने इसमें कलर डाल दिया, इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। 2 मिनट के लिए इसमें चम्मच चलाएंगे। ये देखिए शीरा हमारा तैयार हो गया। मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डाला था, चुटकी भर कलर इसमें भी डाला था और अपनी कैरी में भी डाला था। अभी शीरा मैं कैरी में कन्वर्ट कर देती हूँ सारा। ये देखिए शीरा मैंने सारा इसमें डाल दिया अपनी कैरियों में। ये देखिए इसमें एक बॉयल आ गया। एक बॉयल आ जाएगा तो जो मैंने 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको हल कर लिया है पानी में इस तरीके से। ये देखिए ये पकना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं चम्मच चलाते हुए कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी अपना। बस इसको पका लूंगी। इसको अब हमें अच्छे से पका लेना है। इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी होगी जैसे जैम होता है, बिल्कुल जैम की शक्ल का होगा ये, और बहुत टेस्टी बनता है। इसे आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। कैरियों का सीज़न है, कैरियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं इस वक्त। लेकिन ध्यान रखिएगा कैरी आप बिल्कुल कच्ची अचार वाली मत लीजिएगा, कैरी थोड़ी पकी हुई होनी चाहिए। बस इसको पकने देंगे जब तक ये थिक नहीं होता और कैरियाँ इसमें अच्छे से हल नहीं होती हैं। उसके बाद हम अपने मसाले ऐड करेंगे इसमें। देखिए ज़बरदस्ती हमारी कैरियाँ पक रही हैं। अभी हमें इसे और पकाना है, इतना पकाना है कि ये बिल्कुल थिक हो जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए, यानी कि जैम की शक्ल निकल आए, जैसे जैम होता है। तो अब हम इसे मज़ीद पकने देंगे। कलर वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है, इसका कलर ऐसे ही होता है। चलें इसे और पकाते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए हमारी कैरियाँ अच्छे से पक के रेडी हो गई हैं, इसका आमेज़ा बिल्कुल डन है। ये देखिए इस तरीके से इतना थिक होना चाहिए, ये बिल्कुल जैम की शक्ल निकल आई है। कलर भी देखिए कितना खूबसूरत है इसका। अब इस पोजिशन पर मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी सारे मसाले जो हमने ली थी, कुटी हुई मिर्चें वो मैं इसमें डाल दूंगी।
काला नमक, चाट का मसाला और नमक। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद इसे हम डिश आउट कर लेंगे। बस ये हमारा रेडी है, बिल्कुल मुरब्बा, कैरी का मुरब्बा ज़बरदस्त सा रेडी है। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं। लीजिए ज़बरदस्ती हमारी कैरी की जैम कह लें या इसे मुरब्बा कह लें, रेडी है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। मैं एक दफ़ा आपको इसका शेप भी दिखा दूँगी, कितनी थिकनेस है इसकी। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल जैम की तरह है ये, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, स्पेशली इसको सहरी में आप पराठों के साथ खाइए, बहुत मज़े का लगता है। बेसिकली ये रेसिपी जो है, ये रेसिपी मेरी नानी की रेसिपी है, उनसे मैंने ये रेसिपी सीखी है। बहुत अच्छी है मेरी नानी, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बुज़ुर्गों से ही घर में रौनक होती है, अल्लाह पाक मेरी नानी को खुश रखे, आबाद रखे, हर बीमारी से उन्हें महफूज रखे। ये रेसिपी मेरी अपनी नानी की रेसिपी है, उन्हीं की रेसिपी मैंने ट्राई की है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, कमेंट करिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।